फाइनली दोस्तों Vivo Y200 5G इंडिया में 23 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है और ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। इसका ऑफिशियल रेंडर भी सामने आ चुका है, कितने कलर ऑप्शन में होगा, इवन दोस्तों इसका प्राइस भी लीक हो गया है। सो आज हम बात करेंगे Vivo Y200 5G के कंप्लीट स्पेक्स के बारे में, इंडिया में किस प्राइस पे लॉन्च होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसका जो ऑफिशियल फर्स्ट लुक है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जी हाँ एग्जैक्टली यही डिज़ाइन के साथ आने वाला है। रियर में आपको डुअल रियर कैमरा दिया गया है, एक ऑरा रिंग लाइट आपको देखने को मिलेगा और फ्रंट में सेंटर पंचोल डिजाइन के साथ आने वाला है। और जो एजेस है दोस्तों आपको यहाँ पे फ्लैट दिया गया है, डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे फ्लैट देखने को मिलेगा। 7.69 mm की थिकनेस पे आने वाला, 190 ग्राम का होगा ये फोन, तो बहुत ही लाइट वेट और स्लिम होने वाला है। और दो कलर ऑप्शन में आएगा, एक ग्रीन होगा और एक गोल्ड होगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये दो कलर ऑप्शन में आने वाला है। उसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों IP रेटिंग के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, मे बी आपको IP54 का रेटिंग देखने को मिल सकता है। सो अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो आपको 6.67 इंच का FSD+ वाली आपको एक फ्लैट AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जी हाँ, काफी सारे लीक्स वगैरह में यही आ रहे थे कि कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, फ्लैट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाइयर रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट दिया गया, 120Hz रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। सेंटर पंचोल डिजाइन के साथ आने वाला और जो बेजल्स हैं यहाँ पे बहुत ही पतले दिए गए हैं, तो ओवरऑल जो आपका डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा होगा। हाइयर रिफ्रेश रेट का भी आपको सपोर्ट दिया गया, AMOLED डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आपको कोई भी इशू नहीं होगा। सॉफ्टवेयर की अगर बात करूँ तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको कस्टमाइज किया जाएगा फन टच ओएस 13 के साथ। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इसका परफॉर्मेंस के बारे में, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 के साथ आएगा, ये 6 NM पे आता है। इसका जो एंटूटू स्कोर है लगभग 380,000-390,000 के आसपास में आता है। आपने इसको Redmi Note 12 5G में देखा होगा और iQOO G6 Lite में यूज किए गए इस प्रोसेसर को। अच्छा प्रोसेसर है, मिड रेंज में परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को मिलेगा। उसी के साथ अगर बात करो स्टोरेज रैम सपोर्ट के बारे में, तो LPDDR4X रैम का आपको सपोर्ट मिलेगा और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और हाँ, अप टू 8 GB आपको वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो मल्टीटास्किंग वगैरह करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, गेम वगैरह आप यहाँ पे इजिली खेल पाएंगे। बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको 4800mAh का मिलने वाला है, 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा और शायद से आपको बॉक्स में चार्जर मिल जाएगा। इस चार्जर से अगर आप चार्ज करेंगे तो 65 मिनट से 70 मिनट में फ़ोन आपका चार्ज हो जाएगा। और अब फाइनली बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो रियर में आपको डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जो प्राइमरी सेंसर है आपको 64 MP का मिलने वाला है, साथ में आपको OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। और जो सेकेंडरी सेंसर है आपको 2 MP का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। फ्रंट में आपको पंचोल में 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। सो ये सारे आपको कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 के साथ आने वाला है, 4800mAh का बैटरी मिलेगा, 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले वगैरह दिया गया, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ आपको बता दिया है। सो अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में कि प्राइस क्या होगा इंडिया में। तो ये रहा इसका स्क्रीनशॉट, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्राइस लीक हुआ है, बताया जा रहा है कि इंडिया में अंडर 24,000 के रेंज में आएगा। सो मुझे लगता है दोस्तों कि 20,000 या फिर 22,000 के बीच में इसका प्राइस होगा, मे बी 21,999 रुपये प्राइस हो सकता है, क्योंकि 24,000 रुपये के प्राइस पे आएगा तो ऑलरेडी iQOO G7 Pro 5G है, Vivo का T2 Pro 5G है, वो दो फोन्स तो ऑलरेडी जो है अच्छे स्पेक्स के साथ आता है, कर्व डिस्प्ले भी आपको उसमें मिलता है। सो वो 24,000 के प्राइस पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मुझे इसलिए लग रहा है कि 20-22,000 के जो है बीच में होगा प्राइस। बाकी दोस्तों अगर ये सारे स्पेक्स के साथ इंडिया में लॉन्च होता है तो किस प्राइस पे आ सकता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है 23 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तो लेट्स सी, देखते हैं किस प्राइस पे लॉन्च होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।